हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का एमके इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्निकल गुरु यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे पास आज एक सोनी विजन का जो है 14 इंच सीआरटी टीवी आया हुआ है। इसमें प्रॉब्लम है कि ये इंडिकेटर तो इसमें जल रही है, सर्च की ये ऑन नहीं हो रहा है। और जब मैंने इसको अभी ओपन किया है तो उसमें से एक आवाज़ सुनने को मिल रहा है, जैसा कि आप सुन सकते हैं। ये इस तरह से आवाज इसका जो है आ रहा है। तो चलिए, सबसे पहले इसको हम क्लीन करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि आखिर इसमें क्या प्रॉब्लम है। मैंने इसको अच्छी तरह से क्लीन कर दिया है और इसका जो है, सबसे पहले तो ये कनेक्टर वगैरह ओपन कर लेते हैं। और दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, ये जो आवाज होता है ये किस चीज का आवाज है मैं वो भी बताऊंगा और सीधा मैं उसी के ऊपर फोकस करूंगा और देखते हैं जो हमारा अंदाजा है वो सही है यह गलत है। आप लोग भी जान लीजिए कि अगर इस तरह से आवाज आए तो आप कौन सा स्पेयर पार्ट्स को चेंज करेंगे। जो कुछ भी नहीं इधर उधर देखना है, सीधा आप जो है वो स्पेयर पार्ट्स निकालिए, दूसरा डालिए सेम नंबर का, और जय राम जी की, आपका काम कंप्लीट। तो सबसे पहले मैं आपको इसका जो है वोल्टेज चेक करवाऊंगा। वोल्टेज चेक करवाने के लिए मुझे इसका सप्लाई वाला कॉर्ड जो है लगाना ही पड़ेगा, तो मैंने लगा दिया है। और ये मल्टीमीटर को मैंने डीसी 250 वोल्ट पे सेट कर दिया है। और एक प्राउड जो है पिक्चर ट्यूब में लगा दीजिए और दूसरा प्राउड से आप पहले चेक कीजिए इसका 110 वोल्ट। आप देख सकते हैं 110 वोल्ट हमारा जो है ड्रॉप कर रहा है। इसमें अभी मैंने डीसी 250 वोल्ट पे लगा दिया है मीटर, तो हमारा मीटर जो है कम से कम यहाँ तक मुझे शो करना चाहिए। लेकिन शर्त ये कि इसमें अभी जो है जो 110 वोल्ट है हमारा, ये सिर्फ यहाँ पे 50 वोल्ट 40 वोल्ट दिखा रहा है। इस सिचुएशन में सीधा आपको कुछ नहीं करना है, पहले ही ईएसटी को चेंज करना है। और चलिए मैं ईएसटी को चेंज करता हूँ और दिखाता हूँ कि बाकी जो भी हमारा स्पेयर है उसको अभी हमें कुछ नहीं करना है। अभी जो हमारा सबसे पहले फोकस है, ये ईएसटी को हमें निकालना है। सबसे पहले हम इसका ईएसटी चेंज करेंगे और चेंज करके फिर हम ऑन करके दिखाते हैं कि जो हमारा प्रॉब्लम था वो वहीं का वहीं है या जो हमारा अंदाजा है वो सही है या गलत। अगर हमें कुछ भी इस पे वोल्टेज नहीं मिलता दोस्तों, तो मैं इसका सप्लाई चेक करता और सप्लाई बनाने की कोशिश करता। कभी कभी तो कुछ भी वोल्टेज नहीं मिलेगा तब भी जो है ईएसटी का प्रॉब्लम रहता है। ब्यू ट्रांजिस्टर खराब होगा तब भी आपका जो है वोल्टेज ड्रॉप करेगा, दबाएगा। अगर आपका इनपुट से सप्लाई जो है नहीं आ रहा है तो भी आपका वोल्टेज ड्रॉप करेगा। लेकिन जहां तक मैंने इस थॉट पे जो है इसको चेंज कर रहा हूं कि मैंने देखा जो इसका जो इंडिकेटर है सेंसर का, वो हमारा ऑन है। सेंसर के पास जो एक एलईडी इंडिकेटर है वो हमारा लाइट दे रहा है, तो इसका मतलब है जो 99% पहले हमें 110 वोल्ट पे चेक करके ये देखना है कि 110 वोल्ट हमारा कंप्लीट है कि नहीं। अगर हमारा 110 वोल्ट कंप्लीट नहीं है तो सबसे पहले हम इस ईएसटी को ओपन करेंगे और इसको हम एक्सचेंज करेंगे। हमारे चैनल पे आप देखेंगे कि हम ज़्यादा घुमा फिरा के बातें नहीं करते और सीधा हम कौन सा स्पेयर को निकालना है उसके ऊपर उसके लिए हम बात करते हैं। और जो मैंने
अभी मीटर से चेक करके आपको दिखाया है, बस सेम फार्मूला आजमाना है और इतने से फार्मूला आजमा करके आप इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। ये जो ईएसटी आवाज कर रही है, इस आवाज को आपको बस ध्यान में रखना है और इस तरह का आवाज हो तो आपको कुछ इधर उधर नहीं देखना है, सीधा ईएसटी को चेंज कर देना है। हाँ, उससे पहले ये भी देख लेना है कि जो हमारा वोल्टेज है वो हमारा सही है कि नहीं। अगर वोल्टेज सही है, वोल्टेज हमारा आ रहा है, 110 वोल्ट बनने की कोशिश कर रहा है, और कभी कभी क्या होता है, जो हमारा ईएसटी होता है दोस्तों, वो जो आवाज़ कर रहा है, इसका मतलब है जो उसमें कुछ कॉइल जो है आपस में शॉर्ट कर रखा है। तो इस सिचुएशन में आपको, आप इसमें देख सकते हैं जो ये इसमें नंबर लगा हुआ है, ये 10-10 का है, 10-10A, तो इस जगह पे आप 40-14 भी लगा सकते हैं। तो चलिए मैं निकालता हूँ दूसरा, ये देखिए मैंने एक 10-10 का ले लिया है, 10-10A, और इस ईएसटी को लगाऊंगा इसके जगह पे। चलिए दोस्तों, मैंने इसको लगा दिया है, अब एक बार इसको ऑन करके देखते हैं कि जो मेरा टीवी ऑन नहीं हो रहा था वो ऑन हुआ कि नहीं, और जो सनसनाहट की आवाज़ आ रही थी वो हमारा ठीक हुआ कि नहीं। चलिए दोस्तों, मैंने इसका प्लग लगा दिया है, इंडिकेटर भी ऑन हो गया है, और ये आप देख सकते हैं टीवी मेरा ऑन हो गया है, अब कोई दिक्कत नहीं है। जो मेरा ये पुराना वाला ईएसटी खराब था, इस वजह से जो है ये ऐसे दिक्कत कर रहा था, आप देख रहे हैं ये 10-10 नंबर का जो है ईएसटी खराब था, अब मैंने इसको चेंज कर दिया है। इस तरह का जो सनसनाहट की आवाज आए दोस्तों, तो आप इसी तरह से जो है इसको ठीक करें। चलिए अब एक बार हम टीवी अभी कॉर्ड लगा करके टीवी चेक करके दिखा देते हैं कि जो मेरा प्रॉब्लम था वो ठीक हुआ या फिर कंप्लीट हो गया। तो आप देख सकते हैं जो मेरा का तो देख सकते हैं दोस्तों, मेरा टीवी कंप्लीट हो गया, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। माफ करना, मेरा वो मतलब थोड़ा सा मुझे इसको ट्यूनिंग करना पड़ेगा, तुम्हारे तो मामा भी नहीं है। मैंने ट्यूनिंग कर दिया है, अब अच्छी तरह से मेरा टीवी कंप्लीट हो गया, तुम्हारा मालिका नहीं है ना। चलिए फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ में आप सभी दोस्तों से, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।